मैं समझा पता नहीं की बंब सिटिया तो समझी असं बह गए थले। मैं क्या दसो चन्नी साहब की किया थोड़े कैप्टन ने? कहिंदा सड़कां ते जिहड़ी टुटियां सड़कां ते असीं पैच लाए आ। मैं हुण पुछना चाहुणा सारी जनता नूं, चार साल पूरे हो गए मैनूं, दस दिओ एक चीज जो कैप्टन ने, एक चीज। बादल साहब मुख्यमंत्री सी, कोई खजाने की कमी नहीं सी, उदों दा खजाना भरिया सी। असीं कितें थोड़े बयान दिंदे कि खजाना खाली है, एक गर्मी रह गई, आ सर्दी तो गई, अगली सर्दी थोड़ी सरकार आ जानी है पंजाब। आज पापी है, दोखी है, सब तो वड्डी बेअदबी जे होई है ते कीती है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कीती है, जिहड़ी गुटका साहब की झूठी सौं खा पग भगत सिंह जी वर्गी पाउण नाल इनकलाबी नहीं बनते, इनकलाबी दिलों बनते हैं, दिलों। इन्हों का लीडर भगवंत मान, इन्हों का प्रधान है, इनको शक्ल तो इनकलाबी लगता, शाम को दो बोतल विस्की भी पी जाता इनकलाबी लगता। लियाई है अपनी सरकार जी इंसाफ दूगी, जनता की सरकार होगी, थोड़े बिच रह के पंजाब के गरीब नूं इंसाफ दवाऊगी। अज आप क्यों इतने इकट्ठे हुए हैं? क्योंकि एक दरिंदे ने लखां अपने बच्चों दीयां जिंदगियां खराब कर दित्तियां, एक मंत्री की लालच ने तकरीबन 3 लाख साल के बच्चे जड़े पढ़ते सी पढ़ाई तो वांझे कर दते। इन्नी कड़ी लालच, तुसी बच्चों दीयां जिंदगियां खराब कर दित्तियां, कल्ले बच्चों की नहीं सारे परिवारों का अगला भविष्य खराब कर दिता। वो लोग है जिन्हों प्यार थोड़े नाल नहीं है। मैं याद है सा प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री बने, पहली कैबिनेट चाहे सारे बैठे सी, बादल साहब ने कहा जे पंजाब तरक्की होनी है पंजाब के गरीब बच्चों पढ़ाना पैना है, कल्ले खेती नाल आपां तरक्की नहीं कर सकते। दुनिया में जड़े देश है, मुल्क है, भावें अमरीका भावें कैनेडा, वो मुल्कां ने तरक्की क्यों की? क्योंकि वो मुल्कां ने पढ़ाई से जोर दिता। आ जड़ी स्कॉलरशिप स्कीम शुरू होई, तुसी याद करो पहले मसा 5-10 हज़ार बच्चे स्कॉलरशिप लेंदे सी। मैं फिर मीटिंग की, अफसर बुलाए, मैं क्या हर गुरु घर के पोस्टर लाओ, टीवी ते इसका अपना एड कढ़ो, बच्चों दसीए किमें स्कॉलरशिप मिल सकती है। ऑनलाइन पोर्टल बनाया जिथे 15-20 हज़ार बच्चे सी, उथे 4 लाख बच्चे पहुंच गए साल दे। लगातार जिन्ने साल साहब प्रकाश सिंह जी बादल जिन्ने साल मुख्यमंत्री रहे, थोड़े सारे SC PC के बच्चों नूं पढ़ाई मुफ्त दिंदे सी, असी पढ़ाई लगातार करते। जदों कैप्टन आया पहले ही साल तो सारा स्कॉलरशिप का काम बंद होने लग गया। अज 4 साल हो गए, कॉलेज भी बंद हो गए, बच्चे भी पढ़ाई तो वांझे हो गए। जिहड़ा पैसा आया सी कॉलेजां नूं देण दे बजाए आप ही छक गए, ते बेचारे बच्चे अज घरे बैठे आ। जिहड़ियां नौकरियां मिलनियां सी पढ़ के, उन्हां तों वांझे हो गए। इह तों वड्डा पाप नहीं हो सकदा। मैं कहना कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार का सब तो वड्डा गुनाह, जिहड़े 4 सालां च सब तो वड्डा पाप गुनाह कीता है कि गरीबां दे पिट ते छुरा मारिया, कि गरीबां दे बच्चों नूं पढ़ाई तो वांझा कीता है। सब तो वड्डी माड़ी गल जे कीती है 4 सालां च आ कीती है। कैप्टन साहब साधु सिंह धर्मसोत ते इत्थों दा जिहड़ा इन्हां दा लीडर है, जिहड़ा पैसा खाध्या उहनूं वफा नहीं करना कोई ना कोई। जिवें परमात्मा कहिंदे आ, जिहड़ा
ਆਇਆ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਘਰ ਚ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਘਾਟੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 50 ਕਰੋੜ ਕਮਾ ਲਿਆ 100 ਕਰੋੜ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲਓ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਆਮੋ ਆਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਤੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ, ਆਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੜਕਾਂ 4 ਤੇ 6 ਲੇਨ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੂੰਗਾ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਮੇਰਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਟੀਕਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਾਫ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਸੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, BC ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਗਨ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਸਾਡੀ ਹੋਊਗੀ, ਨੰਬਰ 1 ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। SC ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ SC BC ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਹੋਊਗੀ, ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਲਜ ਜਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ SC ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਸਦੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ 1.5 ਸਾਲ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੀਡਰ ਵਾਅਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੰਕਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਪੱਕੇ। ਆਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਮੈਂ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਮੰਗੂ ਨਹੀਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸੌਂਹ ਖਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਘਰ ਘਰ DSP ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਾ ਦੂੰਗਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਯੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਵੋ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖੋਟ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਾਂਗਰਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਸਾਡੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਤਰੀ ਪਏ ਆਪਣੇ
बैठे सी लीडर चन्नी सी, बीबी भट्टल सी, लाल सिंह सी, सारे बैठे सी, एक पासे असी बैठे सी, बहस चल पी केड़ी सरकार ने की काम कीते है। मैं मेरी बारी आई तो मैं क्या मैं बहस नहीं करना चाहना, मैं कल्ले पांच सवाल पूछना चाहना कैप्टन तो, अब कैप्टन नहीं सी वो तो बीबी भट्टल से चन्नी लीडर सी। मैं क्या थोड़ा कैप्टन अमरिंदर सिंह 2002 तो 2007 तक पांच मुख्यमंत्री रहे पांच साल, मैनू पांच चीजां दे दस दियो जिहड़ियां कैप्टन ने पंजाब विच कीतियां, पांच कलियां। देखो सारे बीबी भट्टल लाल सिंह नूं पुछण लगी दसो की पांच कीतियां, लाल सिंह चन्नी नूं पुछण लग गया, कुसर पुसर दस नहीं सके। फिर मैं क्या ऐ करो पांच छड़ दियो चार दस दियो, फिर तो खुसर पुसर कर लग गए दसिया कुछ नहीं। मैं क्या चल तीन दस दियो, तीन भी नहीं दस सके। फिर मैं अखीर च औखा जो के क्या यार, मैं क्या थोड़ी शर्म करो, तुम पांच साल मुख्यमंत्री रहे हो, तुम एक गल तो दस दो, एक गल। चन्नी खड़ा होया उदो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सी, चन्नी खड़ा होके कहता हां किया साडे कैप्टन ने, तुम टीवी च देखा होना सारा लाइव चल रहा है उदो। मैं समझा पता नहीं की बंब सिटिया, समझी असं बह गए थले। मैं क्या दसो चन्नी साहब की किया थोड़े कैप्टन ने, कहिंदे सड़कां ते जिहड़ी टुटियां सड़कां ते असीं पैच लाए हैं। मैं हुण पुछना चाहुणा सारी जनता नूं, चार साल पूरे हो गए, मैनूं दस दिओ एक चीज जो कैप्टन ने कीती है, एक चीज कीती की है तो छड़ दिओ। मैनूं एक गल दस दिओ किन्नियां चीजां बंद कर दित्तियां, पेंशनां आटा दाल दे कार्ड थोड़े कटते, पेंशनां कटतियां, शगन कटते, जिहड़े मुलाजम सरकारी मुलाजम दे डीए नहीं दिते, ते पे कमीशन की तो गल ही छड़ दिओ। पहले असीं थोड़े जिम बनाउंदे हुंदे सी नौजवानों वास्ते, जिम देने बंद कर दिते, खेडां दा समान देना बंद कर दिता। थोड़े घरे में थोड़े पिंडां में सेवा केंद्र खोते सी, तुसी दफ्तर ना जाओ, तुहानू काम करन दी डीसी दफ्तर जाण दी लोड़ नहीं, घरे थोड़े सारे काम हो जाण। सेवा केंद्र भी बंद कर दिते, सेवा केंद्र बंद कर दिते। अज सब तो वड्डे नशे दे माफिया व्यापार कर रहे कौन, कांग्रेसी एमएलए पैसे ले रहे, महीना ले रहे नशियाणा तो। सब तो वड्डा सैंड माफिया कांग्रेस दे एमएलए है, जिन्ने शराब जाली शराब पंजाब जा रही है सारी कांग्रेस के एमएलए लिया रहे है, ते खजाने नू खाली कर दिता। अज गैंगस्टर दा राज है, रोज अखबार कर लो, कल मैं गया तरन तारण, एस आई नू गैंगस्टर ने मार दिता, बैंक लुटे जा रहे है, गैंगस्टर जेलों च रह के फड़ौती कर रहे, लोगों नू लोग पैसे कट्ठे कर रहे हैं, क्योंकि पता है अज पैसे का राज है, कोई मर्जी काम करवाना पैसे का राज करके करता है। मैं एक गल दसो, थोड़े चो कोई भी अपने पंजाब के कप कोने तो आए दुआबे, थोड़ा कोई कांग्रेसी मित्र होया उन्हें पूछ लो कि तुसी कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं चार साल होए मुख्यमंत्री नूं मिले हो। जिहड़े लोग आम वर्कर अपने मुख्यमंत्री नूं नहीं मिल सकते, तो जनता की गल है। दुआबे वाले मैनूं इन्ना दस दिओ, कैप्टन अमरिंदर सिंह पिछले चार साल फलौर तुसी कितने देखे, फगवाड़े देखे, हुशियारपुर देखे, टांडे देखे, कपूरथले देखे, सुल्तानपुर लोधी देखे, जो देखे ही नहीं चार साल, फिर मुख्यमंत्री किस वास्ते। साहब प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री, मैं उप मुख्यमंत्री सी, मैं लगा कोई दिन नहीं सी कितना कितने असी हुंदे सी, थोड़े विच हुंदे सी, संगत दर्शन हुंदे सी। मैनू याद आ हर हल्के छोटे संगत दर्शन होया, जिथे तुसी 20 करोड़ मंगे हल्के ने असी 100-100 करोड़ देके गए। पिछले 10 साल बादल साहब मुख्यमंत्री सी, कोई खजाने की कमी नहीं सी, उदों दा खजाना भरिया सी, असी कितने छड़े बयान दुने कि खजाना खाली है। हुण कैप्टन क्योंकि घरों निकलना नहीं, घरे अपने फार्म हाउस रहिंदा है, रोज तुसी वीडियो देखदे हो कैप्टन साहब की करते हैं फार्म हाउस, वीडियो देखते हो कि नहीं, सोशल मीडिया से उन्हें देखा करो। इतने लोग
कोरोना नूं मर रहे हैं, इत्थे लोकी भुख तो मर रहे, इत्थे लोकी बुरा हाल है, उत्थे कैप्टन साहब ऐश कर रहे हैं। जिहड़ा भी कसी कहीए, जिहड़ा भी ठगी मारदा, कैप्टन साहब इक्को गल है, क्लीन चिट। कैप्टन साहब किन्नी देर क्लीन चिट दे दोगे? एक गर्मी रह गई, आ सर्दी तो गई, अगली सर्दी थोड़ी सरकार आ जानी है पंजाब। मैं थोनू अज गरंटी करना है, आ जिहड़े धर्मसोर वर्गे डाकू है, सरकार बनते पहले महीने चंद्र होणगे, इन्हां तो जिन्ना पैसा खाधा सारा पैसा कढ़ा के बच्चों की पढ़ाई विच, गरीब बच्चों की पढ़ाई विच लाया जाऊगा। मैं तुहानू गरंटी देना, जिन्ना इन्होंने लुटिया, जिन्ना लुटिया इन्होंने, आ सोचते कि पूरी जिंदगी साडा राज करना। श्रोमणी अकाली दल थोड़ी पार्टी है, गरीब की, किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, सारे वर्गों का सत्कार करती है, तुसी सारे जानते हो। मेरे पिता बादल साहब ने एक मैनू होर गल सिखाई, आ गल सिखाई है कि जे पंजाब तरक्की तां कर सकता है जे पंजाब विच अमन शांति रहूगी, पंजाब विच भाईचारे सांझ रहूगी। साहब प्रकाश सिंह जी बादल मुख्यमंत्री सी, सारे धर्मां दे पवित्र दिन आउंदे सी, बादल साहब आप जाके मनाउंदे सी, जिन्नियां भी यात्रा निकलदियां सी मुख्यमंत्री बादल साहब आप आउंदे सी, जिन्ने भी गुरु घर है सारे धर्मां दे उन्हां नूं आप सजाया करोड़ां रुपये ला के। राम तीर्थ जाके देखो पवित्र स्थान, मैं वाल्मीकि महाराज का किन्ना 300 करोड़ रुपया ला के इन्ना खूबसूरत बना दिता। दुर्गियाना मंदिर जाके देखो किन्ना खूबसूरत बनाता। गुरु रविदास जी महाराज के स्थान करालगढ़ वास्ते 250-300 करोड़ मंजूर करा के काम शुरू किया, पर दोखी अमरिंदर सिंह की सरकार आ गई, अज उत्थे एक इट नहीं लगी, 1.5 साल हो गए, 4 साल हो गए, एक इट नहीं लगी। कोई गल नहीं, साल बाद एडा खूबसूरत बना देंगे स्थान, हिंदुस्तान से दुनिया के कोने कोने के लोग परमात्मा के दर्शन करने वास्ते आएंगे। साहब प्रकाश सिंह जी बादल की सोच सी, छोटी छोटी गल्लां, थोड़ी मानियां गल्लां बादल साहब समझ आते। मैनू याद है एक दिन बादल साहब तलवंडी साबो तो गए, शाम को कैबिनेट मीटिंग सी, आए तलवंडी साबो, जब मत्था टेकन गए गुरु घर के, एक बजुर्ग आया, एक माई आई, बादल साहब नूं कहन लगे कि बादल साहब जी सारा कुछ सानू कीता है, एक काम रह गया तुसी आ जरूर करियो। साडा सुपना कि मरन तो पहले असी अपने हजूर साहब दर्शन कर सकीए, साडे बच्चे लैके नहीं जाते, असी बजारे बजुर्ग हैं किवें जाइए। बादल साहब मैनूं याद है शाम को आए तो कहन लगे मैं एक नवी स्कीम अज शुरू करन लग्या, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा, याद करो। उदो असी फैसला कर लिया बादल साहब ने कि हर जिले तो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा जिहड़े जिहड़े धर्मां दे पवित्र स्थान आ उत्थे ट्रेनां जाया करनगियां, मुफ्त जाया करनगियां। हजूर साहब वाराणसी, हर जगह ते क्रिश्चन भाईचारे वास्ते, पहला तो मद्रास कोले जगह सी, उत्थों तक असी मुफ्त ट्रेनां शुरू कीतियां, हर हफ्ते जांदियां सी ट्रेनां, क्योंकि चाहुंदे सी बेचारे बजुर्ग जा सकन। एडियां छोटियां छोटियां गल्लां ते बाल साहब की सोच सी, पर कैप्टन साहब आया पहले दिन ही बंद कर दिता। आ कबड्डी अपनी मां खेड, याद करो किवें कबड्डी दुआबे च, किवें आप वर्ल्ड कप कबड्डी कराते होंगे, मेला लग जाता 15-20 दिन, नौजवान कबड्डी खेडन लग गए सी। जो कैप्टन आया वर्ल्ड कप कबड्डी बंद, मैं तो कहा 5-4 साल हो गए कैप्टन ने बंद ही किया, नवी चीज एक नहीं शुरू की थी, एक नहीं। आज पापी है, दोखी है, सब तो वड्डी बेअदबी जे होई है ते कीती है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कीती है, जिहड़ी गुटका साहब की झूठी सौं खाती है। जिहड़ा इंसान अपने गुरु की झूठी सौं खा सकता है, यह तो माड़ा इंसान कोई नहीं हो सकता, वो तो विश्वास किवें कर सकते हैं। अपने पिंडां च भी आप देखे, जे कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, दो ग्रुपां च लड़ाई हो जाए, आप की करते हैं, आप कहने चल गुरु घर दे आके अंदर आओ। जिहड़ा झूठा होगा गुरु घर नहीं जाता, डरता परमात्मा तो,
ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰਿਆਂ ਵੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਪਰਾਏ ਕਿਹੜੇ ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਕੈਪਟਨ ਵਾਂਗੂ ਇਨਕਲਾਬ ਪੱਗ ਵੀ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੀ ਪਾ ਲਈ ਸਰ ਪੱਗ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦਿਲੋਂ ਬਣਦੇ ਆ ਦਿਲੋਂ ਦਿਲੋਂ ਜਜ਼ਬਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 16-16 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਜ਼ਬਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਐਂ ਪੱਗ ਬਣ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਡਰਾਮੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਇਨਕਲ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 2 ਬੋਤਲ ਵਿਸਕੀ ਦੀ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੱਗਦਾ ਬਸ ਡਰਾਮੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਐਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਗਏ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ 15-16 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 31% ਵੋਟਾਂ 31% ਵੋਟਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਈਆਂ 37% ਵੋਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਲੇ 5-6% ਉਹ ਵੀ ਅਖੀਰਲੇ 4-5 ਦਿਨ RSS ਤੇ BJP ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 21% ਸੀ ਉਦੋਂ ਐਡੇ ਤੂਫਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤਕੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤਕੜਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬੰਦ ਕਰਾਈਏ ਆਹ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬੰਦ ਕਰਾਈਏ ਲਿਆਈਏ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਫ ਦਊਗੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਊਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜ੍ਹਾਊਗੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਊਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਾਊਗੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ